इम्परफेक्ट कम्पिटिशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स वन बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर करैक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द मार्केट वेयर फार्मर इज सेलिंग इट्स आउटपुट आर द मार्केट वेयर फार्मर इज बाइंग द इनपुट्स इन द मार्केट जब आप मार्केट स्ट्रक्चर के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर के करैक्टर करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स की बेस पे हम डिफाइन करते हैं इस मार्केट स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ बेरियर टू एंटर एंड एक्जैक्ट और फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है टू डिस्क्राइब द मार्केट स्ट्रक्चर वो है आपके पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच इंडस्ट्री ऑपरेट्स जब हम बात करते हैं अबाउट द प्रोड्यूसर्स आर ऑपरेटिंग इन परफेक्टली कम्पटेटिव मार्केट तो वह हम वहां पर कहते हैं देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर लेकिन जब आप इम परफेक्टली कम्पटेटिव मार्केट की बात करते हो तो हम कहते हैं देयर इज नॉट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर सेलर्स हाँ जी मैंने एक जनरल से स्टेटमेंट तो दे दी देर आर नॉट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है कि इट माइट बी पॉसिबल देर आर फ्यू बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इट माइट बी पॉसिबल यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फ्यू सेलर्स यहां कुछ ऐसा भी हो सकता है कि तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट देर इज ग्रेटर कंसनट्रेशन इन मार्केट के देर आर फ्यू बिग सेलर्स इन मार्केट क्या जब आपके पास इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड करे हम क्या कहते हैं मार्केट इज अंडर इम्परफेक्टली परफेक्टली कंपेटिटिव इन नेचर और यहां पे जो आपकी प्राइसेस डिटरमिन होंगी दैट डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस इज बाय फोर्सेस अदर देन डिमांड एंड सप्लाई अब अगर हम यहां पे बात करें कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लेकिन सेलर्स के रेफरेंस में क्या सिचुएशन है कि इट माइट बी पॉसिबल कि हम वहां पे कहें देर इज मोनोपली कब होगी मोनोपली वेन देर इज ओनली वन सेलर ऑलिगोप्रिकब होगी वैन देर आर फ्यू सेलर्स और मोनोपलिस्टिकार्ज नंबर ऑफ सेलर फिर इसी पैटर्न पर अगर हम कैटेगराइजेशन करें मार्केट्स की अब मेरी एजम्पन क्या है देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट देर आर फ्यू बट नंबर ऑफ बायर्स क्या है केट माइट भी पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर मार्केट देर इज ओनली वन बायर जब वन बायर होगा तो हम कहेंगे दैट इज मोनोप्सनी देर इज नी और जब हम बात करते हैं देर आर फ्यू स्पेशल देर आर सम सम्पेश लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तब हम क्या कहेंगे दो मार्केट स्ट्रक्चर इज मोनोपोनिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर और ये मैंने जितने भी लिस्ट किए हैं यहां पर जी ओली मोनोपली ओलीगोपली मोनोपलिस्टिक कंपिटिशन मोनोपनी ऑलीगोप्सनी एंड मोनॉप सोनिस्टिक कम्पिटिशन तो ये सब क्या है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्परफेक्टली परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट अगर मैं अभी इस यहाँ पे अभी जो हमने डिफ्रेंसी की है दैट डिफ्रेंसीशन इज ओनली ऑन बेस बेसिस ऑफ बायर आर सेलर जो अभी बाकी जो फीचर्स हैं जो जिनके जिनमें हमने बात की थी बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जेक्ट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट परफेक्ट नॉलेज हाँ जी अभी मैंने उसकी बेस पे यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं की ये जो भी सेग्रीगेशन है दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कि अगर वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे तो जी वो मोनोपलिस्टिक है लेकिन ये भी एग्जाम्पल किस चीज़ की है अंडर इम्परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल यहाँ पे कोई दूसरा करेक्टरिस्टिक्स होगा आपके पास जो के यहाँ पे मीट नहीं करेगा